नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल बाबड़ूदिया डिजिटल आईटीआई यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम कुछ मैकेनिकल ट्रेड के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो हम हिंदी में सॉल्व करने वाले हैं आज, जो आने वाली एग्ज़ाम के लिए आपको यूज़फुल रहेंगे। जैसे कि ट्रेड है फिटर, टर्नर, TDM, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, सभी के लिए ये यूज़फुल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक गोल फाइल का इस्तेमाल कब होता है? तो इसका सही आंसर आएगा धातु को जल्दी घटाने के लिए। अगला क्वेश्चन, हेक्सो ब्लेड के दांतों के लिए निर्धारित किया जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ब्लेड के लिए क्लियरेंस देने के लिए, ब्लेड को टूटने और अटकाने से बचाने के लिए, ब्लेड की तुलना में फर्क्स को चौड़ा बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से क्या व्हील के चमकने का कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर आएगा व्हील की सही ड्रेसिंग नहीं होने से। ग्लेज्ड या लोडेड व्हील के इस्तेमाल का प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर आएगा उपरोक्त सभी, यानी कि अधिक ताप का उत्पन्न होना, खराब सतह फिनिश, व्हील फेस और जॉब फेस के बीच अत्यधिक काटने के दबाव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या एक कारण नहीं है ग्रेडिंग व्हील पर लोडिंग के लिए? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं चार, तो इसका सही आंसर है सही ग्रेन आकार और व्हील का ग्रेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस दूरी के माध्यम से एक पेच थ्रेड एक तरफ आंशिक रूप से अग्रिम होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उसे थ्रेड का लीड कहा जाता है। एक थ्री स्टार्ट थ्रेड की पिच द्वारा बांटा जाता है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर रहेगा तीन। छोटे सटीक घटकों और माप वाले गेज के लिए किस प्रकार के थ्रेड उपयुक्त होते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा ब्रिटिश संगठन थ्रेड्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मशीन टूल्स के लीड स्क्रू के लिए किस प्रकार का थ्रेड्स उपयुक्त है? मशीन टूल्स के लीड स्क्रू के लिए किस प्रकार का थ्रेड उपयुक्त है? इसका सही आंसर आएगा एक्मे थ्रेड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी स्क्रू थ्रेड रूपों में थ्रेड के बीच 29 डिग्री का एक कोण है? तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों एक्मे थ्रेड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाहरी पेच थ्रेड का पिच व्यास किससे जांच की जाती है? तो इसका सही आंसर आएगा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शाफ्ट में एक कुंजी अधीन होता है? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? शियर का तनाव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑटोमोबाइल शाफ्ट पर निम्न में से कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या? वुडरप चाबी। शाफ्ट के साथ एक पुली को युग्मित करने के लिए किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा गैब हेड चाबी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक हेक्सागोनल नट के ऊपरी हिस्से को कोने के पर रखा जाता है, वो कोण कितना होता है? तो वो कोण होता है 30 डिग्री। एक नट के आयाम को व्यक्त किया जाता है, एक नट के आयाम को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? कि बोल्ट का छोटा व्यास। निम्न थ्रेड फॉर्म में कौन सा एक थ्रेड असेंबली में उपयोग किया जाता है, जहां स्लाइडिंग बल केवल एक दिशा में कार्य करता है? तो कौन सा थ्रेड होगा? सो टूथ थ्रेड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक रिवेट विशेषित किया जाता है किसके व्यास द्वारा इसे विशेषित किया जाता है? तो सेंक। अगला क्वेश्चन, BSF स्क्रू थ्रेड में शामिल कौन होता है?
तो इसका सही आंसर आता है कितना एंगल होता है, 55 डिग्री। एक ग्रेडिंग व्हील का ड्रेसिंग और ट्यूइंग होता है, तो इसका सही आंसर का एक ही उपकरण के साथ किया जाना। एक स्क्रू थ्रेड का पिच व्यास है, तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों थ्रेड के बड़े और छोटे व्यास के बीच काल्पनिक व्यास। एक लकड़ी की चाबी का आकार होता है, तो एक लकड़ी की चाबी का आकार होता है एक सर्कल के एक सेगमेंट के रूप में। एक सडल की चाबी लगाने के लिए, तो इसका सही आंसर आएगा सांप पर कोई कीवी की कटौती नहीं है। एक चाबी एक उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, मेटिंग पार्ट्स को जकड़ने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सी थ्रेड यांत्रिक चेक पर उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही थ्रेड यांत्रिक चेक पर उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर का स्क्वेयर। अगला क्वेश्चन देखिए, स्लॉट पर उठे हुए हिस्से और ऊंचा एक नट को क्या कहा जाता है, स्लॉट पर उठे हुए हिस्से और ऊंचा नट को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं केसल नट। नट के भीतर स्प्रिंग वॉशर का उपयोग किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, कि भिन्नता के कारण नट्स की धीमी गति से बचाने के लिए। एक टेप वॉशर का उपयोग होता है, एक टेप वॉशर का उपयोग क्या होता है, कंपन से बचने के लिए, यानी कि वाइब्रेशन से बचने के लिए। एक प्लेन वॉशर मदद करता है, एक प्लेन वॉशर क्या मदद करता है, तो एक बड़े क्षेत्र पर बल वितरित करने के लिए वो मदद करता है। निम्न में से कौन सी कारण रिवेटेड बिंदु में धातु को कुचलने के लिए जिम्मेदार है, तो इसका सही आंसर है क्लिक का व्यास बहुत बड़ा है, ये इसका सही आंसर है। दोस्तों आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो सही में पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी आने वाली एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सके, और उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताइए। और अगर आपको सही लगता है कि हमारे वीडियो आपको यूज़फुल होते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।